और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का आक्रोश दिल्ली की जनता में है, इसलिए मनोज तिवारी बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं। कन्हैया कुमार वो शख्स है जो इस देश के संविधान को बचाने की बात करता है। कन्हैया कुमार को आगे आना चाहिए। जब मोदी जी आपने सत्ता संभाली थी उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था 10वें या 11वें नंबर पे होती थी, लेकिन हमारा विदेशी कर्ज कितना था? मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। आज हमारा विदेशी कर्ज बढ़कर कितना हो गया? 205 लाख करोड़। तिवारी को समर्थन देने वालों को कांग्रेस ने टिकट दिया तो उस पर क्या? सरकारी अफसर को मारने का मुकदमा चल रहा था, उसके बावजूद उसने बीजेपी ज्वाइन कर दिया। टक्कर देखा जा रहा है कन्हैया और मनोज तिवारी का, क्या लगता है कैसा रहेगा टक्कर? देखिए जी, आज मैंने अखबार पढ़ा था, हिंदुस्तान टाइम अखबार हिंदी आता है, उसमें बकायदा इस नॉर्थ ईस्ट की सीट के बारे में वहाँ पे पूरा सर्वे छपा हुआ है। मैं चांस की बात अभी मैं निकाल ही रहा था, मैंने नेट पे भी अगर वो अखबार की क्लिपिंग मिल जाती तो मैं आपको दिखाता। वहाँ की जनता से हिंदुस्तान अखबार के संपादकों ने राय ली है और लगातार वहाँ पे कन्हैया कुमार के फेवर में है और उनके नेगेटिव है। हर एक ने यही बोला है कि जी यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, यहाँ पे इन्होंने कोई काम नहीं कराया, गड्ढे हैं, सड़कें हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, हालत ख़राब है। तो जब वो जनता ही खुद कह रही है तो फिर तो हम क्या कहें साहब? तो एक और उन पर आरोप लगे, टुकड़े टुकड़े गैंग, देखा होगा आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का। मैं अभी आपको, ये तो मेरे पास अभी मौजूद है, आपको बयान दिखाता हूँ। आज की करंट वाइस चांसलर जो है JNU की, उन्होंने ये बात बोली है कि मैंने कभी इस बात को, कभी टुकड़े टुकड़े वाली गैंग में मामले को नहीं देखा। ये रहा अभी उनका बयान, अभी दिखा देते हैं। और मनोज तिवारी का टक्कर कैसा? पढ़ा लिखा युवा चाहिए हमको, हमें लहंगा छाप जो बियर पी के नाचे छम 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 छम, वैसा इंसान नहीं चाहिए। भगवाधारी कपड़ों में पहना के और बियर पीने वाली बातें कर रहा है, वो सम्मान करेगा देश का? और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम नहीं कर रहा उसने। दिल्ली में जब अध्यादेश लाया गया था तो दिल्ली के समक्ष नहीं खड़ा था वो, दिल्ली के पक्ष में नहीं खड़ा था वो, बीजेपी की सरकार की तरफ से खड़ा था। क्या नाम है उनका, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सपना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए, फिर भी उन्होंने अध्यादेश के पक्ष में लड़ा। भाई पार्टी अलग है लेकिन आप सब समर्थन तो दो, अब दिल्ली के सांसद तो आपको चुन के भेजा गया है। शर्मा जी कुछ बोल रहे थे। हाँ जी मिल गया। देखिए JNU वाज नेवर एंटी नेशनल और पार्ट ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग। JNU राष्ट्र विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा नहीं था, लोकसभा में बकायदा जवाब दिया गया। तो आरोप तो लग रहे हैं ना कन्हैया कुमार पे? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आरोप तो आप किसी पे भी लगा दो, आरोप तो यहाँ पे मेरे पे रोज लगते हैं। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, यहाँ जनता से खड़े होकर बात करता हूँ, दुनिया आती है यहाँ पे, जो बीजेपी समर्थक है सारे मेरे पे आरोप लगा देते हैं। शर्मा जी तो पेट भर करके, शर्मा जी तो पैसे लेते हैं बोलने के लिए। आरोपों का क्या है साहब, आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, लेकिन हकीकत तो ये थी ना, लोकसभा तक में बकायदा ये है, मैं तो कोई झूठ नहीं बोल रहा ना, बकायदा नेशनल हेराल्ड की खबर है, India.com की खबर है, आज तक की खबर है। हम टुकड़े टुकड़े नहीं, JNU हिंसा पर बोली VC शांतिश्री, VC आज की डेट में वाइस चांसलर शांतिश्री हैं JNU की, जिनका यह बयान है, जिन्होंने बकायदा यह बयान दिया कि JNU में कभी कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं था, ना JNU कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा रहा। तो इसका सीधा मतलब झूठ फैलाया जा रहा है ना, वो तो वाइस चांसलर है। और सबसे मजे की बात है कि बकायदा संघ से जुड़ी हुई है, RSS की वह हैं, वो RSS को मानने वाली विचारधारा की वाइस चांसलर है, उसके बावजूद अगर वो ये बयान दे रही है तो क्या वो गलत दे रही है? तो अब झूठा कौन, या तो RSS के समर्थक झूठे, RSS की संघ में जाने वाली शांतिश्री वो झूठी, या फिर लोग आरोप लगाने वाले झूठे। साफ साफ जाहिर है, तो सिर्फ आरोप लगाया गया था। देखा जाए तो मनोज तिवारी एक बड़े चेहरे हैं, देखा बीजेपी का, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़ा चेहरा कहना और प्रदेश अध्यक्ष रहना दोनों में अलग बात है। पूरी की पूरी बीजेपी आज की डेट में रिमोट से संचालित होती है। आपने पीछे 3 राज्यों के चुनाव देखे, कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं था, कुछ नहीं था, पर्ची डाली, एक पहली बार के जीते हुए विधायक को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे विधायक को वहाँ का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तीसरे को छत्तीसगढ़ का, क्या वो चुने हुए विधायक पहली बार के आए हुए उनको बना दिया। ठीक है जी, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, कौन बोलेगा? जो बोलेगा उसी के ऊपर EDI TCBI का डंडा चल जाएगा, जैसे विपक्षों पे चलता है वैसे ही उनके ऊपर चलेगा। वसुंधरा राजे इतना बड़ा चेहरा थी, उनको आगे करके चुनाव लड़ा लेकिन जीतने के बाद उन्हें साइड कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कितनी सभाएं करी, सब कुछ करा, जीतने के बाद कहाँ है शिवराज सिंह चौहान, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बड़े चेहरे तो इसमें कुछ नहीं है, बड़े चेहरे सीधी सी बात है, आज की डेट में पूरी बीजेपी पे 2 लोगों का कैप्चर है, एक अमित शाह और दूसरे मोदी जी, तीसरा कोई बड़ा चेहरा उनमें नजर नहीं आता, जो जरा सा उठने की कोशिश करता उसे दबा दिया जाता है। मुझे वास्तव में बीजेपी के नेताओं पर तरस आता है कि कैसे उनकी गुलामी सह रहे हैं वो, कैसे उनके चरणों में कदम ताल करे हुए बैठे हैं वो, कौन सा बड़ा चेहरा, क्या बड़ा चेहरा अपने चेहरे पे चुनाव जीत के फैनी इतने की जरूरत ही नहीं चेहरे की, बोलते तो मोदी की गारंटी चलेगी, मोदी मैजिक ही चलेगा 2024 में। बिल्कुल जी बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी चलती है, आप अपहरण कर लो, बलात्कार कर लो, हत्या कर लो और उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, मोदी जी की गारंटी है कि अगर उसके बाद आपको कोई छू भी जाए तो। अभी आपने जो यूपी में देखा, राकेश कनौजिया जो है गैंगस्टर, उसने अभी सारा का सारा, उसको यूपी की पुलिस ATS और वो उसको ढूंढ रही है, SCF उसको ढूंढ रही है एनकाउंटर करने के लिए, वो जाके बीजेपी में शामिल हो गया और शामिल होकर उसने बीजेपी का पटका पहन लिया, अब सारा मामला खत्म। इससे पहले आपको याद होगा कि 3 या 4 साल पहले करीब एक बुलंदशहर के आसपास वो गोकशी के चक्कर में भीड़ ने एक इंस्पेक्टर सुबोध को मार दिया गया था, उसमें जो अक्यूज था, जो मेन अक्यूज था लड़का, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था इंस्पेक्टर को मारने का,
सरकारी अफसर को मारने का मुकदमा चल रहा था, उसके बावजूद उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज उसके नाम के कोई नहीं है। और गैंगस्टर कनौजिया का तो ये देखिए, ये ना मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, गैंगस्टर कनौजिया ने थामा बीजेपी का हाथ, 21 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है, और 21 मुकदमे दर्ज होने के बाद ये उसकी कंडीशन है कि जैसे ही उसने थामा है और उसके बाद अब इसके सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। ये राजी देखिए, ये मोदी जी की गारंटी है, आप घोटाले कर लो, अजीत पवार जैसा घोटाला कर लो, 70,000 करोड़ का घोटाला कर लो, जब तक आप विपक्ष में हो आपके ऊपर ईडी आईटी सीबीआई सारी जाएंगी। कांग्रेस का दूध की धुली हुई पार्टी है क्या? कांग्रेस का दूध की धुली हुई पार्टी है। कांग्रेस ने भी तो समर्थन दिया, अभी एक मुसलमानों को आतंकवादी बताने वाले, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको टिकट दिया है उन्होंने मुजफ्फरनगर से, उस पर क्या बोलेंगे? मुजफ्फरनगर से तो शायद उनको है इकरासन, मुजफ्फरपुर से तो बिहार से, बिहार से कांग्रेस की सीट मुजफ्फरनगर से, उनके बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है, अगर दिया है तो गलत दिया है। नाम मैं भूल रहा हूँ सर, मुझे साफ कहता हूँ जी, मैं सच के साथ हूँ, अगर दिया है तो गलत दिया है। उन्होंने 8 साल के आसिफा का केस पता ही होगा, उनके बलात्कारियों का समर्थन देने वालों को कांग्रेस ने टिकट दिया, तो उस पर क्या बलात्कारियों को उन्होंने समर्थन दिया है, बलात्कार भी हो वो खुद है या मैं बता रहा हूँ आपसे, वास्तव में मुझे इस चीज़ की जानकारी, समर्थन दिया, समर्थन देने वाले को देने वाले थे, और अगर उनको टिकट दिया तो मैं तो कहता हूँ जी गलत दिया है, गलत गलत ही रहेगा। मैं इस बारे में कभी सिलेक्टिव नहीं होता कि अगर बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है या उनके साथ गलत करने वाला है और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो तो वो गलत है, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो फिर मणिपुर हो, इस मामले में मैं हमेशा साथ हूँ, बहन बेटियों की इज्जत सर्वोपरि है जी। एक और मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस सिर्फ विकास विरोधी है, विकास नहीं किया उन्होंने, सिर्फ मोदी जी ने किया है। अरे साहब, ये अगर बार बार इस बात को कहते हैं, अगर कांग्रेस ने विकास नहीं करा होता तो आज हमारा देश जिस पोजीशन पे है क्या वो इस पोजीशन पे खड़ा होता? अंग्रेजों ने जब हमें आज़ादी दी थी हमारे भारत की हालत क्या थी? मात्र हमारे पास 64 करोड़ रुपये का कैश था, मात्र 64 करोड़ रुपये, और आबादी कितनी थी? 34 करोड़। एक आदमी के ऊपर मात्र 2 रुपये खर्च करने के लिए थे। पहला जो हमारा बजट बना था, पहले साल का जो बजट बना था, मात्र 197 करोड़ का बजट बना था, और उसे 197 करोड़ रुपये में से 97 करोड़ का बजट तो सिर्फ रक्षा के लिए रखा गया था। क्या दिया था हमें अंग्रेजों ने? कुछ भी नहीं, एक सुई तक हम नहीं बना सकते थे, दिया सलाई नहीं बना सकते थे, और उसके बाद हमने सब कुछ बनाया, अपने देश में हर चीज़ पैदा करी, क्या नहीं पैदा करे? अन्न क्रांति हम लेके आए, श्वेत क्रांति हम लेके आए, इसरो बनाया, IIT बनाया, एम्स बनाया, भेल बनाया, गेल बनाया, सेल बनाया, लगातार PSU बनाई, क्या नहीं बनाया कांग्रेस ने? आप कहते कांग्रेस ने विकास नहीं करा, इतना अगर आपको खोखला देश मिलता, इतना विकास आप 200 सालों में करके दिखा दो तो बात है। 10 साल में अर्थव्यवस्था देखिए 5वीं पर आ गई, वो भी तो एक विकास है। बिल्कुल जी विकास है, मैं मानता हूँ अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई, और जब मोदी जी आपने सत्ता संभाली थी उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था 10वें या 11वें नंबर पे होती थी, लेकिन हमारा विदेशी कर्ज कितना था? मात्र 55 लाख करोड़ रुपये। आज हमारा विदेशी कर्ज बढ़ के कितना हो गया? 205 लाख करोड़ रुपये। पिछले 10 सालों में आपने 150 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया, आप कर्ज ले लेके अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हो, तो भाई साहब मेरी नज़र में तो ये अकलमंदी का काम नहीं। मोदी जी अपने लिए नहीं ले रहे हैं, वो तो विकास कर रहे हैं देश में, विकास नज़र भी तो कहीं आना चाहिए। वो 150 लाख करोड़ आपको कहीं लगा हुआ नजर आता है? मैं तो जनता हूँ, मुझे कहीं नज़र नहीं आता, तो मैं बोलता हूँ और जनता से भी मैं पूछता हूँ कि वो 150 लाख करोड़ अगर देश के विकास में लग गया होता तो क्या आज भारत के 81 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ती? विकास में लगा होता 150। क्या बोलेंगे सर, विकास हुआ है कि नहीं मोदी राज? बिल्कुल नहीं हुआ सर, और जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं उस बात का। अच्छा क्या बोलेंगे जी, वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि 81 करोड़ लोगों का अगर राशन दे रहा है, 150 लाख करोड़ रुपये आपने कर्जा उठा लिया और उसके बावजूद भी आप 5-5 किलो राशन दे रहे हो, तो कहाँ से विकास हुआ साहब? उसी में तो खुश है 2028 तक उनको फ्री राशन मिल, ये भी तो बोले कांग्रेस राज में कहाँ मिलता था फ्री राशन, लेकिन इस राज में तो मिल रहा है, उसी में खुश हैं लोग। बिल्कुल जेन्युइन बात है, कांग्रेस राज में नहीं मिलता था, कांग्रेस लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करती थी, लोग कांग्रेस लोगों को भिखारी नहीं बनाती थी, उन्हें कामकाजी बनाती थी, उन्हें हाथ देती थी काम करने के लिए, चाहे वो मनरेगा हो या दैनिक मजदूरी का काम हो, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ काम देती थी, और उसके बाद राशन कार्ड बनाती थी। राशन कार्ड बनने के बाद आप 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो जाओ पैसे दो और शान से लेके आओ, आज की डेट में नहीं है कि आपको काम धंधा तो दिया नहीं है, 5 किलो के लिए झोला आपको पकड़ा दिया, जाओ बेटा जाओ 5 किलो बटर है फ्री में जाके ले आओ और तो अपना पेट भर लेना, और अपने घर वालों के लिए भी 5 किलो का थैला एक और लेके चले जाओ, 10 किलो ले आना तुम्हारा पेट भर जाएगा। कामकाजी आते 2 रुपये किलो भी मिलता था 3 रुपये किलो, लेकिन आदमी को संतुष्टि थी, मैं पैसा दे के राशन लेके आ रहा हूँ, मुफ्तखोर नहीं हूँ मैं। सर फ्री देने वालों को आपने बोला मुफ्तखोर, जिस तरह से केजरीवाल को देखा जाए फ्री पानी है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उस पर क्या बोलूँ, वो भी तो फिर उस तरह से चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, केजरीवाल जी की योजना में और इस योजना में दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्या है? केजरीवाल जी पानी फ्री देते हैं, 20,000 लीटर आपको पानी फ्री दे रहे हैं, 20,000 तक आप इस्तेमाल करोगे आपको बिल नहीं देना है, 20,000 से ऊपर अगर आप इस्तेमाल कर लोगे आपका 22,000 लीटर भी हो जाएगा, आपको सारा बिल देना है। इसमें सीधा सीधा किफायत का संदेश छुपा हुआ है, 200 यूनिट आपको बिजली फ्री दे रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग में आती थी ना, आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत खास हो गई है वो,
अमित शाह जी भी नाम ले रहे हैं उसका, अब वो तोड़े तोड़े गैंग में नहीं आती है। कन्हैया कुमार वो शख्स है जो इस देश के संविधान को बचाने की बात करता है। कन्हैया कुमार को आगे आना चाहिए, और कन्हैया कुमार वर्सेज मनीष तिवारी होगा, बिहारी वर्सेज बिहारी होगा, तो कन्हैया कुमार एवन मतलब पूरी अच्छे खासे वोट 5 लाख वोटों से जीतेगा। एक बार और उन्होंने खड़ा हुआ था बेगूसराय से, बुरी तरह हारे पता है ना। देखिए बेगूसराय से लड़े थे वो, पहले सीपीआई वगैरह से लड़े थे ताकि उसका कोई वोट शेयर था नहीं, लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है ये मत बोलिए आप। और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का आक्रोश दिल्ली की जनता में है, इसलिए मनोज तिवारी बहुत बुरी तरीके से हारेगा। सर आप लोग तो यही बीजेपी वाले बोले पानी के लिए तरस गए हैं कि जब से केजरीवाल जी जेल में गए हैं। देखिए ऐसा है, जेल से सरकार चलेगी और काम चलता रहेगा। एलजी कितनी भी मनमानी कर ले, एलजी की इतनी औकात नहीं किसी विधानसभा से चुनाव लड़के दिखा दे और जीत के दिखा दे। मैं मान जाऊंगा एलजी को, एलजी अब सुनिए मेरी बात, अरविंद केजरीवाल 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, हर दिन वो 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही जेल में। इधर आइए, वो बोल रहे कन्हैया और टुकड़े टुकड़े गैंग के नहीं है। कन्हैया कौन ये बोल रहे? शर्मा जी टुकड़े टुकड़े गैंग के जिसका समर्थन करते हैं वो भी हैं, कांग्रेस भी टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक कहो जन्मदाता कहो कांग्रेस है। एक बार गलती कर गया था कौन? अर्नब गोस्वामी, जो सोनिया गांधी को नाम ले लिया था अंटीनो माइनो। परिणाम ये हुआ कि बेचारे को बेवजह जेल जाना पड़ा। तो इसलिए कह रहा हूँ पत्रकारिता करो, पर कांग्रेस पर मैं ऐसी कभी बात मगर अभी तो सत्ता में नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर सत्ता में आ गया तो खोज के निकाल लेंगे। इसलिए शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि हम तो सत्ता में हैं और सत्ता में रहेंगे आगे भी, लेकिन शर्मा जी पर मैं कोई बाल बाका नहीं कर सकता, इतना मेरी है हैं। लेकिन अगर हमने कर दिए हैं तो शर्मा जी नोट कर लिया। ये कहना चाहे कांग्रेस आएगी तो जेल में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, शर्मा जी के लिए चट्टान की तरह हम खड़े रहेंगे। आप खड़े रहेंगे, कांग्रेस आ गई फिर भी ये जेल में जाएंगे या फिर भी, लेकिन आप खड़े जाना पड़े मुझे, या चाहे पीएमओ के पास भी जाना पड़े किसी माध्यम से। ये सर इतने शुभचिंतक है, आप क्या बोलेंगे इस पर? अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आप जेल में जाएंगे? वो सब देखा जाएगा जी, बात की बात है, बाकी रही बात इनकी, मैं इनका पूरा सम्मान करता हूँ। हालांकि हमारा आपस में बहुत जबरदस्त मतभेद होता है, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बोलते जरूर हैं जो वेश एक ऐसी पार्टी की आज ये सपोर्ट करते हैं जो पार्टी आज की डेट में सपोर्ट करने लायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी इज्जत अपनी जगह है। देखिए ऐसी पार्टी का सपोर्ट करते जो सपोर्ट के लायक नहीं है, ये कह रहे ऐसी पार्टी का बीजेपी का सपोर्ट करते जो सपोर्ट के लायक नहीं है। कांग्रेस कभी देश हित में सही काम किया हो, सनातन हित में किया हो, हिंदू हित में किया हो, भगवान के हित में किया हो, शर्मा जी आज कहते मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूं। संविधान के हित में होता है, संविधान के हित में काम होता है। अरे जाकर फेंक के जा रहे हो, अरे मोदी के नंबर दे जाओ। हाँ क्या जवाब देंगे? देश हित में तो काम करा है, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए ना, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। उसके लिए सनातन के हित में या मुसलमानों के हित में या बौद्धों के हित में या जैन सिख जितने भी हमारे धर्म है किसी के हित में सरकार को कोई काम नहीं करना चाहिए। सरकार ने सबके हित के लिए सबसे बड़ा काम क्या करा? अनुच्छेद 25 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको धार्मिक आज़ादी दे रखी है, अपने अपने धर्म को मानने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, सीधी सी बात है, और उसी का पालन हम लोग करते हैं। हम कहते हैं सरकार ने बिल्कुल सनातन के लिए काम नहीं करा, जाहिर बात है सरकार को किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने मुसलमानों को प्रमोट करने के लिए काम नहीं करा, मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छा करा, नहीं करना चाहिए। सरकार को देश हित का काम करना चाहिए, धर्म हित का काम नहीं करना चाहिए। सरकार का धर्म ही सबसे बड़ा ये है कि वो देश हित में काम करे, धर्म के हित में काम ना करे। बस लगातार मॉक टेस्ट में जितने भी मशीनों में बटन दबाया जा रहा है सब बत्ती हमेशा बीजेपी की जल रही है। किसकी देखी जा रही है सर? पहले चलेंगे गठबंधन साहब, लहर तो इंडिया गठबंधन की है, क्लियर है, पर देखा जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट में तो मोदी चल रहा है। कौन को? मैं आपको इसी ग्राउंड रिपोर्ट की भी आपको चुनौती देता हूँ, थोड़ा सा आप अपना कैमरा वगैरह बंद करके ना आप एक आम आदमी बन के यहाँ इस कोने से फतेहपुरी मस्जिद तक आप जाओ, कम से कम इस वक्त इस रोड पे 5000 लोग मौजूद होंगे। आप 5000 लोगों से पूछना शुरू करो भाई इस बार कौन चाहिए, इंडिया गठबंधन या मोदी, आपको बता देंगे लोग। 5000 में से 500 लोग भी अगर मोदी जी के फेवर में आ जाए तो बात है।